न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। जनपद एटा से देखिए बड़ी खबर आ रही है। एटा के गांव शीतलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 12 अगस्त 2019 को पुरानी चुनावी रंजिश के कारण प्रधान भूपेंद्र यादव को हत्या के आरोप में झूठे केस में फंसाया गया था। लेकिन आपको बताते चले, जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता लगा कि आरोपी कोई और है। आइए मत से बने रहिए, पूरी खबर पर एक बार नजर डालते हैं। एटा से देखिए बड़ी खबर आ रही है। एटा के गांव सीतलपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। 12 अगस्त 2019 को पुराने चुनावी रंजिश के कारण भूपेंद्र कुमार यादव को हत्या के केस में फंसाया गया था। और आपको बताया चले, फंसाना पूरा घटना को रूबरू करते हुए 12 अगस्त 2019 को गांव सीतलपुर में पुराने रंजिश जमीनी विवाद के चलते बीरपाल सिंह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनका आरोप प्रधान भूपेंद्र यादव अन्य लोगों ने यहां पर आपूर्ता चले खिलाफ हत्या के FIR दर्ज हो गई थी। फिर भी प्रधान के पक्ष में उसी समय तहरीर दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। टेली फायरिंग के साथ जानलेवा हमले के अपेक्ष में आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मृतक पक्ष में दावा है कि प्रधान पक्ष ने गोली चलाई थी। बीरपाल की गोली लगने से हुई थी दर्दनाक मौत। प्रधान पक्ष में दावा कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष के मृतक भतीजे संजय और पैधनिया भूपेंद्र प्रधान के घर में जो सीसीटीवी कैमरे थे यहाँ पर फायरिंग करते हुए फुटेज जारी हो गई थी। घटनास्थल में आपको पता चले कि 11:13 पे ही और 11:27 तक ये पूरी घटना है। पुलिस ने जब यहाँ पर विवेचना शुरू की तब मृतक पक्ष का संज्ञान हुआ कि लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। बीरपाल के पक्ष में लोगों ने गोलियां शामिल की गई थी, लेकिन इसके संबंध में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आई सामने, जिसमें आपको पता चले बीरपाल की हत्या से पहले उसके पक्ष में संजय उर्फ धनिया फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्राइम टेक न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट। राहुल जी, बीते दिनों अगस्त में गांव शीतलपुर में एक हत्याकांड का क्या है राज, क्या है मामला? राज ये है कि हम अपने घर पे सो रहे थे, तभी हमारे गांव के ही संजय और धनिया ने हमारे एक चाचा के मकान पे फायरिंग करना शुरू कर दी। मैं घर पे ही मौजूद था और उसके साथ उसके कई साथी थे, दीपक, संजीव, राजीव, गंगा प्रसाद, सिंटू, पिंटू वगैरह काफ़ी लोग इकट्ठे थे और हमारे आवास को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग करने लगे। चाचा का नाम क्या है, क्या है, कौन चाचा? भूपेंद्र यादव प्रधान। ये रंजिश के कारण थी? ये सर चुनावी रंजिश है, बीते समय में आने वाले इलेक्शन का समय आ रहा है और ये लोग हमारे चाचा को किसी झूठे रंजिश में फंसाने की साजिश रच रहे थे, जो वो कामयाब हो चुके हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है जिससे कि आप जो झूठे केसों में प्रधान जी फंसाए गए हैं, ऐसा कोई आपके पास एविडेंस है? सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो है वो हम पुलिस को दे चुके हैं और उसमें आरोपी धनिया पकड़ा भी गया है। आरोपी धनिया जिसने फायरिंग की है? जी जी। कब पकड़ा गया है? सर कल पकड़ा गया है, ये संडे को। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।